नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। शिवसेना नेता संजय राउत की ओर से अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुलाकातों के दावों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि अब राउत ने कांग्रेस के दबाव में अपना बयान वापस भी ले लिया है, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में अचानक उस करीम लाला को सुर्खियों में ला दिया है। करीम लाला अफगानिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन माया नगरी मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन बना। यह हकीकत है कि दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान भागने के बाद से मुंबई में उस तरह का कोई डॉन पैदा नहीं हुआ है, लेकिन करीब चार दशकों तक करीम लाला ही मुंबई का असली डॉन रहा। उसकी बयार अब भी अक्सर महसूस हो जाती है। बॉलीवुड से लेकर सियासत की दुनिया तक माया नगरी में आज भी लाला से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, जिसमें से एक अभिनेत्री हेलन की कहानी भी है। कहते हैं कि मुंबई में दशकों के दबदबे के बावजूद करीम लाला ने समाज के हर तबके के लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन होने की वजह से उसे अगर बदनामी मिली तो हर तबके की खुलकर मदद करके उसने खूब नाम भी कमाया था। यही वजह है कि क्या गरीब और क्या अमीर, सभी तरह के लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचते थे और लाला अपने हिसाब से उनकी हर मुमकिन मदद की भी कोशिश करता था। लाला के पास मदद मांगने पहुंचने वालों में अभिनेत्री हेलन का नाम भी शामिल है। जाहिर है कि करीम लाला के दरबार में अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंचने वालों में बॉलीवुड हस्तियां भी होती थी। यही वजह है कि जब एक बार अभिनेत्री हेलन मुश्किलों में फंसी तो वो भी लाला के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गई। तब दिलीप कुमार ने हेलन को लाला के पास भेजा था, क्योंकि वो वाकिफ थे कि जिस तरह की परेशानी में हेलन फंसी है उसमें वही उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। हुआ ये था कि पीएन अरोड़ा नाम का हेलन का एक जानने वाला एक शख्स उनकी सारी कमाई लेकर भाग गया था। हेलन ने लाख जतन कर लिए, लेकिन वो पैसा वापस देने को तैयार नहीं हुआ। तब अपनी परेशानी लेकर वो तब के सुपरस्टार दिलीप कुमार के पास पहुंची, जिन्होंने उन्हें फौरन करीम लाला के पास भेज दिया। दिलीप कुमार ने हेलन के हाथों लाला के नाम एक सिफारिशी खत भी भेजा था। करीम लाला ने इस मामले में दखल दिया और हेलन के सारे पैसे वापस मिल गए। ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें करीम लाला ने लोगों की मदद की। लाला की यही अदा थी जो मुंबई के लोगों को पसंद आती थी। लोग उसे गरीबों का रॉबिन हुड भी कहते थे। फरवरी 2002 में करीम लाला की मौत हो गई। मौत के लगभग 18 साल बाद एक बार फिर करीम लाला शिवसेना नेता की बयानबाजी की वजह से जिंदा हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।